मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां वो वेंटिलेटर पर थे। बता दें कि जिम में वर्कआउट करते दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया था। उनके चाहने वालों को ये उम्मीद थी कि वो वापस लौट कर आएंगे, लेकिन जब आज उनकी निधन की खबर आई तो सभी मायूस हो गए। कानपुर के रहने वाले राजू श्रीवास्तव के घर के बाहर उनके चाहने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के दोस्त मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि राजू श्रीवास्तव जब 19 से 20 वर्ष के थे, तभी वो अपने सपने को पूरे करने के लिए मुंबई आ गए थे। राजू जी जैसा व्यक्तित्व होना बहुत कठिन है। मैं तो तब से जानता हूँ जब से करियर शुरू हुआ था। वो सरलता और एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद में भी वही सरलता बरकरार रही, वही नम्रता। मुझे तो बड़े भाई कहते थे, आके पैर छूते थे, और वो सरलता अंत तक रखी। मुझे बहुत दुख है कि एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो सब कुछ पाने के बाद भी मिट्टी से जुड़ा हुआ था। राजू श्रीवास्तव के निधन का सुनकर बहुत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, उदास हुआ। एक चुप्पी सी छा गई है मुझ में, वातावरण में। बहुत अच्छे कॉमिक एक्टर तो वो थे ही, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और बड़े दया भाव रखते थे। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते थे। जब भी मिलते थे गर्मजोशी से मिलते थे, तपाक से मिलते थे, गले लगकर मिलते थे, खुशी से मिलते थे और हंसाते थे। मैंने बहुत बार उनसे मुलाकात की, उनके साथ वक्त गुजारा, उनके साथ हंसी मजाक किया। मैंने कभी भी उनको सीरियस मूड में नहीं देखा। मैंने मतलब आमतौर पे कॉमिक एक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं रियल लाइफ में, मगर वो रियल लाइफ में भी वैसे ही थे जैसे वो स्टेज पर थे, पर्दे पर थे। और सबके लिए उनके मन में अच्छे विचार थे, सबके बारे में अच्छा ही बोलते थे, सबके बारे में अच्छे आशीर्वाद दुआ वाली बात करते थे। जहाँ भी कहीं जाओ, बहुत उन्होंने कॉमिक एक्टर्स का बहुत साथ दिया है, उसको एक ऐसे वर्ल्ड स्टेज पर लाकर दिया, खड़ा किया है हिंदुस्तान में। मेरी उनके परिवार वालों से बात होती रहती थी और वो बोलते थे कि नहीं, बड़े वो पॉजिटिव थे कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद ऊपर वालों को हंसाने वाले की ज़रूरत थी और उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, मगर बड़ी जल्दी बुला लिया ऊपर वालों ने राजू श्रीवास्तव को। राजू जैसे बहुत, राजू की शक्ल आते ही एक हंसी आती थी उनके। मैं YouTube पे सबका मजाक उड़ाते थे लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था। वो उन कॉमिक एक्टर्स में से नहीं थे कि किसी की बुराई करके हंसाते थे लोगों को। वो उनको देख के बड़े से बड़ा कलाकार, चाहे वो उसकी मिमिक्री करते थे या आम सिचुएशन में, चाहे बड़ी से बड़ी हस्ती, लेकिन कभी किसी के मन में ये नहीं आता था ये क्या कर रहा है यार। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष भी नहीं था। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जो एक खबर जो आई है इतनी शॉकिंग रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन को एक 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 सम्मान दिलवाया, उनकी कमाई का जरिया बने। इंटरनेशनल ब्रांड थे राजू श्रीवास्तव जी। आज उनका जाना सबसे बड़ी क्षति उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बिटिया, उनके बच्चों को है। बिकॉज एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे मित्र थे, और हमेशा हंसाना उन्होंने हंसाते रहे, वही यादें रहीं। जब पार्टी में भी आए तो बीजेपी में साथ रहे, तो उन्होंने वहाँ पर फिल्म उद्योग में आए फिल्म बंधु को अच्छे से संभाला। आज काफ़ी फिल्मों की शूटिंग होती रही। पिछले 2 महीने पहले हम लोग साथ में थे एक मंच काशी में, जहाँ सब्सिडी दी जा रही थी। 2-3 दिन साथ रहा, हंसते रहा, कभी देख के उनको लगा नहीं था, और अचानक आज ये खबर आई।